गुड मॉर्निंग गाइज, सो इट्स डे 31 ऑफ 120 डेज वेट लॉस जर्नी एंड कैसे हैं आप लोग। हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं विथ आवर वार्म वाटर। सबको लिंक भेज दी गई है ऑलरेडी, 5 मिनट बस बचे हैं तो फटाफट से अभी, मतलब सब लोग तो आ ही जाएंगे, आप भी आ जाइए। यस, मैं तो रेडी हुई एकदम। यार ये टी शर्ट मेरा नाइट सूट वाला, मैं तो इतना मस्त लूज हो गया है ना। मैंने ये फर्स्ट टाइम पहना था व्हेन आई वाज इन वाराणसी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अक्टूबर 2021। उस टाइम पर कैसे लग रही थी मैं इसमें और आज कैसे लग रही। So excited. Okay. So, दिवाली आ रही है एंड कैसे मेंटेन कर सकते हैं, राइट? देखो, खाना पीना तो हम छोड़ते नहीं है ना, नहीं छोड़ते, राइट? खाना पीना, सोना, घूमने जाना नहीं छोड़ते। तो अपना जो डेली रूटीन है ना, जैसे वर्कआउट एंड गुड ईटिंग, उसको भी नहीं छोड़ना, वरना फॉर श्योर दिवाली में आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो? और बाहर की मिठाई अवॉइड करो, घर पे मम्मी को बोलो या फिर खुद बना कि गुड़ वाली मिठाई बनाए, जागरी वाली मिठाई बनाए। ओके, इससे क्या होगा, आपका मीठे का जो रिवाज है दिवाली में मिठाई खाने का, वो भी फुलफिल हो जाएगा। अपॉन दैट आपको बोलते ना, गिल्ट फ्री होकर आप खा सकते हो, लेकिन हाँ, आप सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना, नहीं, क्वांटिटी लिमिटेड रखो एंड सब्स्टिट्यूट्स में खाओ तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड वर्कआउट करते रहो। सच्ची बोल रही हूँ मैं। तो इस तरीके से आप दिवाली में अपना वेट मेंटेन कर सकते हो। ओके, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ सब्स्टिट्यूट्स के हिसाब से ही चलेगा, नहीं। ऑफकोर्स घर में मेहमान आते हैं, वो अलग मिठाई बाहर के लेकर आते हैं, तो उनका दिल रखने के लिए खाना ही पड़ता है, मजबूरी होती है, खाना ही पड़ता है। तो खाओ, थोड़ा सा खाओ, लेकिन फिर प्रिपेयर रहो कि अगले दिन से आप 3-4 दिन और ज्यादा मेहनत करोगे एंड जो वो एक छोटा सा निवाला या एक मिठाई, एक लड्डू बेसन का ही क्यों ना खाया हो, वो भी आपको उसका मेहनत जो है ना वो निकालना पड़ेगा, मेहनत कर करके। ठीक है, तो खाने में मना नहीं है, जो दिल में आए वो खाओ। और ऐसा नहीं है, देखो दिवाली कितने दिन चलने वाली है, बराबर 6-8 दिन है। तो अगर आप बोलोगे अरे दिवाली 6-8 दिन है, उतने दिन खा ले, तो ये बहाना हो गया, मजबूरी नहीं हुई, बहाना हो गया। चलो माना आप सारे दिवाली के पूरा धनतेरस से लेकर भाई दूज पूरा टाइम आप वो मिठाई खा रहे हो शक्कर वाली, ओके, लेकिन फिर उतना वर्कआउट भी तो करो, हर सुबह करो। फिर ये मत कहना अरे दिवाली है, छुट्टी है, मैं आराम से उठता हूँ फिर करता हूँ, या आराम से उठती हूँ फिर करती हूँ, ये मत कहना फिर, बराबर? तो ऐसे मेंटेन करो, ठीक है, छुट्टी मत करो। जितना खाना पीना सोना इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारा वर्कआउट और गुड ईटिंग इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो अभी शुरू करते हैं मेरी वर्कआउट। मतलब आज भी स्टैंडिंग वाली एक्सरसाइजेस है, कल भी थी लेकिन कल मैंने नहीं की थी, तो आज मैं करूंगी। ओके, चलो फास्ट रन करेंगे, फास्ट रन एंड 3-2 बिगिन, कम ऑन फास्ट रन। And 3-2-1 begin. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12,
13 30 14 40 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट। दो और सेट करेंगे। एंड थ्री टू वन बिगिन। वन टू थ्री फोर, पीछे का भी बेंड करना है राधिका। फाइव, इतना पैर मत आगे लो, थोड़ा पीछे लो। सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। नेक्स्ट लेग। एंड थ्री टू वन, थ्री टू वन एंड बिगिन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। 30 सेकेंड्स ब्रेक, इसके बाद और दो सेट। डंबल सामने एंड नाइसली, डंबल का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जाने दो। एंड कम अप डाउन, कम अप डाउन, कम अप। ओके, कहाँ पर प्रेशर पड़ना चाहिए ये मैं पहले ही बता देती हूँ। ये जो पूरा बैक पोर्शन है ना, नीज के पीछे, बैक साइड, बैक थाइज, हाँ, इस पर पोर्शन, इस पर प्रेशर पड़ना चाहिए, काफ पर पड़ना चाहिए। गॉट इट? नीज बिल्कुल भी बेंड नहीं करने हैं। टू वन बिगिन। वन नाइसली अप, टू अप, थ्री अप, फोर अप, फाइव अप, सिक्स अप, सेवन अप। डंबल्स अपने से नजदीक ही रखो, दूर मत ले जाओ। एट अप, नाइन अप, टेन अप, इलेवन अप, ट्वेल्व अप, थर्टीन अप, फोर्टीन अप, फिफ्टीन अप, सिक्सटीन अप, सेवेंटीन अप। क्या हुआ प्रियंका जी? एटीन अप, नाइनटीन अप एंड ट्वेंटी अप। एंड थ्री टू वन बिगिन। वन टू थ्री फोर फाइव, ओ मैडम जसलीन क्या कर रहे हो, सिक्स और अच्छे से नीचे, सेवन एट, बॉटल का एंड पकड़ो, नाइन टेन, ना ना ना, इलेवन, चलो जैज वन से शुरू है। वन टू, एल्बो खोलो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, चलो जैस स्लोली स्लोली, एट नाइन टेन इलेवन, गर्दन ऊपर रखना, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। यस, आराम आराम से, ठीक है, आराम आराम से। रेस्ट एवरीबॉडी, एक और एक एक और सेट 20 का। सपोर्ट लेकर बैक स्ट्रेट करो,
बैक स्ट्रेट करो एंड विल पिक आर लेग. ओके एंड 3 2 1 बिगिन. 1 2 3 4 5 6 7 8. प्रियंका जी एक साथ. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कम ऑन जायज. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 जायज कम ऑन. तुम्हारे लिए ये करा रही हूँ यार. 28 29 30 Dude, for this one, like chair is very small, very height according. 31 32 33 Precisely. 34 35 36 37 38 39 40. रिलैक्स गाइस. जस्ट डू लाइक दिस. ठीक है सिंगल लेग का जो हाथ कमर पर है वो ही स्विंग होगा हाथ. कम ऑन. 1 2 आप लोग को करना ही है. चलो कम ऑन स्टैंड अप एंड लेट्स डू इट. एंड 3 2 1 बिगिन. नाइसली स्विंग योर लेग. ओके आगे एंड पीछे. 1 2 3 4 5 जैज गर्दन ऊपर. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. नेक्स्ट लेग. एंड 3 2 1 बिगिन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. दो और सेट करेंगे इसके. ओके ध्यान मुद्रा इन सुखासन ऑन योर थाइज एंड नीज. आंखें बंद. अब जब तक मैं ना कहूं आंखें खोलना नहीं. ब्रीथ करके होल्ड. 5 4 3 2 1 रिलीज. जितना खींच सकते हो उतना लंबा खींचो सांस. ओके कम ऑन एंड 3 2 1 ब्रीथ. लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ. होल्ड. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 release. Yes. Now rub your hands. नींद पूरी नहीं हुई आज प्रियंका जी. चल रहा है. Come on, rub it nicely, guys. Come on, energy भी मैं ही generate करूँ आपके हाथ पर. हाँ अच्छे से रब करो और जब हीट महसूस हो तो अपने आंखों पर रख लो. योर पाम शुड बी ऑन योर आईज नॉट फिंगर्स. कीप इट ऑन योर आईज. सीमा हाथ घिसने में भी कंजूसी. उसमें से क्या अली बाबा वो जी नहीं निकलेगा इतना धीरे धीरे धीरे. थोड़ा जोर से. कम ऑन कीप इट सीमा कीप इट. लकीरें घिस जाएंगी हाथों की अब इतना घिसोगी तो. कम ऑन स्प्रेड योर हैंड ऑल ओवर योर हेड. आके खोलना नहीं है. एक साथ मेरे साथ साथ जाएंगे. हेड फेस नेक आर्म्स चेस्ट स्टमक एंड बेली हिप्स थाइज लेग फीट एंड बैक. नाइसली. नाउ हाथों को सामने लेकर आओ नीचे. एक यस एक दूसरे के पास एंड स्लोली स्लोली ओपन योर आईज वेरी स्लोली. जसलीन बिना चश्मे के आंखें ओपन कर लो कोई बात नहीं. मैं दिखनी इंपॉर्टेंट नहीं है. पहले आंखें स्लोली ओपन होना जरूरी है. पीठ सीधी करो पीठ सीधी करो. हाँ ओके चलो बताओ क्या क्या खाने वाले हो. चलो गाइज लेट्स गो टू डू कार्डियो. चलते हैं 5 दिन बाद आज.
सो ट्रेडमिल का आज मैं कर रही हूँ इंक्लाइन में 4 की स्पीड पर योर, एंड यहाँ पर स्पीड है 4। अच्छा, 4 ही रखा है। 3-3.5 मिनट हो चुके हैं अब तक, 15.6 कैलोरीज डाउन। चलो गाइस घर चलते हैं। यहाँ पर ना जिम के ही बाहर सब्जी वाला था तो मैंने मेथी ले ली। हाँ, अभी नारियल लेना है। यार इतना चल कर जाती हूँ आती हूँ ना, मेरे पैर पर देखो ये मेरी चप्पल का निशान उठ रहा है पूरा। आई गो बाबू, गुड मॉर्निंग। आयशा मेरे को करती है जैसे कि 2 साल बाद देख रही है। अभी ये साइड से, दोनों साइड से लाड चाहिए बाबू का, है ना। बस खाली बस, शायद से आली को भी पीरियड जाने वाला है। अब चुक 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 चुक। यार इधर ना लोग पटाखे फोड़ने लग गए हैं तो इस वजह से इसको नीचे नहीं ले जा रही मैं। यहाँ मिला बॉली, बॉली पकड़ 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 जल्दी। ये बच्चे बच्चे लोग हैं ना, ये शाम को नहीं, दिन दिन में सुबह सुबह चालू हो गए, तो इसलिए अली को लेकर नहीं जा रही मैं नीचे। चलो अभी जिम तो 5 दिन के लिए बंद है, फ्रॉम धनतेरस टिल भाई दूज, तो उतने दिन मेरे को कार्डियो नहीं मिलेगा। 5 दिन मेरा पीरियड्स की वजह से छुट्टी हो गया, आज गई, अभी 5 दिन और दिवाली की वजह से छुट्टी। हाँ यार, बाकी अपना सेशन चालू है, सेशन तो बस संडे को छुट्टी है और संडे को इस बार दिवाली आई है, बाकी धनतेरस भाई दूज वगैरह हर दिन सेशन है। यस, नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई बाथ एंड आज आफ्टरनून में लंच में राइस एंड मेथी की करी विथ कोकोनट ये बनाऊंगी। तो ये पवन जी की रेसिपी है, तो मैं नहीं, वो ही बना रहे हैं। तो यस, चलो फिर अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए। ओके, सो गाइज आई वॉन्ट टू अपडेट अ न्यू थिंग दैट आई एम गोइंग टू ट्राई फ्रॉम टूडे। मेरे चश्मे पर पानी है। यस, ओके। तो रिगार्डिंग स्ट्रेच मार्क्स, मैंने एक ना वीडियो देखा था एक डॉक्टर का, डर्मेटोलॉजिस्ट का, तो उन्होंने बताया था कि स्ट्रेच मार्क्स के लिए ये जो है बाय बाय स्ट्रेच मार्क्स डर्माटच का क्रीम है, तो इसे मैंने आज से यूज़ करना शुरू किया है। लाइक अभी तक पैक ओपन नहीं किया है, लेकिन ये बोलने के बाद मैं इसे लगाऊंगी। एंड मैं ना मेरा आज का जो है बेली का और मेरे हैंड एरिया का जहाँ जहाँ स्ट्रेच मार्क्स है ना, वहाँ वहाँ का क्लोजअप फ़ोटो क्लिक करके रखूंगी टू सी द डिफरेंस आफ्टर 30 डेज। और जिस पर ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स है वो बोलते हैं कि इसको दिन में 2 बार लगाना है अनटिल यू गेट योर सेटिस्फाइड रिजल्ट। एंड जो प्रेगनेंट लेडीज़ है ये उनके लिए भी सेफ माना गया है, ठीक है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, क्लिनिकली प्रूवन, फ्रेगनेंस फ्री, सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, इस पर ये लिखा है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है गाइज, दिस आई एम गोइंग टू ट्राई इट ऑन माई सेल्फ। एंड मेरे साथ साथ मेरी सेशन की एक है मेंबर, उन्होंने भी मंगवाया है, तो शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू ट्राई दिस। एंड आज ही से हम दोनों का ये अप्लाई करने का फर्स्ट डे होगा, तो हम दोनों ने बराबर टाइमर लगा दिया है दैट 11 o'clock इन द मॉर्निंग एंड 6:30 PM इन द इवनिंग हम इसे लगाएंगे करके, तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। एंड जो प्रेगनेंट लेडीज़ है, जैसे जैसे स्टमक बढ़ता है तो स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं, तो तभी से लगाना शुरू करो, मतलब बेबी होने के बाद उसको जो है वो स्ट्रेच मार्क ज़्यादा नहीं आते करके ऐसा कहा जाता है। तो लेट्स ट्राई एंड आई विल डेफिनेटली शेयर द रिव्यू आफ्टर 30 डेज ऑफ दिस विद बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस। ओके, सो लेट्स अप्लाई इट। ऑफकोर्स अप्लाइंग करते समय नहीं दिखाऊंगी मैं यार, डोंट एक्सपेक्ट दैट। ओके, मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। ओके, सो डन एप्लीकेशन एंड मैंने पिक्चर भी निकाल लिया है
आज क्या तारीख है, 9th नवंबर. तो यस, आफ्टर 30 डेज लेट्स सी व्हाट आर द रिजल्ट्स, डज इट रियली वर्क और नॉट. क्योंकि 30 डेज तो मैक्सिमम रखना चाहिए यार ये सब चीजों का, क्योंकि इतने सालों का जो स्ट्रेच मार्क है आसानी से, ऑफकोर्स उस पर कुछ भी एक दो दिन में असर नहीं पड़ता, राइट. तो मैंने अप्लाई कर लिया, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम वाटरी कंसिस्टेंसी है, वो क्रीम की तरह चिप 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 नहीं है, तुरंत अंदर डिजोल्व हो जाते हैं. सो दैट्स ग्रेट पार्ट कि मैं इसे लगाकर तुरंत कहीं जाऊँ एंड कपड़े पहन लूँ ना, तो इट इज यूजफुल, क्योंकि वो डिजोल्व ऑलरेडी हो चुका है इन माई बेली एंड डेफिनेटली वो मेरे कपड़ों पर नहीं लगेगा. तो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ दिस क्रीम, डेफिनेटली आई विल कीप ऑन शेयरिंग द रिजल्ट. अगर मेरे को 15 डेज में ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखने लगते तो यस, मैं 15 डे पर ही डायरेक्ट बिफोर एंड आफ्टर लेकर आऊंगी, वरना 30 डे के लिए तो रुकना ही पड़ेगा, मतलब आज से 8th December तक रुकना ही पड़ेगा फिर. ओके, तो यस आई हैव डन दिस एंड समथिंग न्यू एक्चुअली, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. चलिए अब लंच का प्रिपरेशन करते हैं, फिर एक सेपरेट ब्लॉग मुझे बनाना है मेरे घर के डेकोरेशन को लेकर. सो गाइज, हियर्स माई लंच एंड द टाइम इज 1:30. ओ शिट, मैं अपने ड्राई फ्रूट्स भी भूल गई, कोई नहीं अभी ले लूँगी इसके साथ. वो मैं जो हाउस डेकोरेशन था तो उससे मैं बिजी थी. तो चलिए लेट्स हैव लंच. तो ये है क्या, दिस इज मेथी की ग्रेवी वाली सब्जी, मिस्टर गुप्ताज स्पेशलिटी, बहुत यम्मी लगती है. रेसिपी शूट करने का इच्छा बहुत था लेकिन टाइम नहीं है आज बिल्कुल भी, क्योंकि शूट करने में लगो तो कोई भी खाना बनने में बहुत देर लग जाती है. सो इवनिंग सेशन का टाइम हो गया है, लेकिन आप लोग को मैं मेरे घर की हालत दिखा दे. इवनिंग सेशन का टाइम भी हो गया है तो आज थोड़ा वर्क करते करते ही इवनिंग सेशन भी लूंगी. एली, स्कूबी, ए उड़ी नहीं, मम्मी का ही है. चलो ये देखो क्या कटिंग अटिंग कर रही है तेरी मम्मी, देख क्या बात है, क्या लाए हो, चाय मांगी थी ना तू इस नाचीज के लिए. चाय के साथ क्या है और इतना बड़ा प्लेट क्यों है, पराठा लाया. 6:20, हाय हाय, वरना मेरे को तो डिनर करने में टाइम लग जाता. उसको बाबू 6:20 हो गया, मेरे को तो डिनर करने. कौन सा पराठा है ये, टेस्ट करो बताओ क्या है. चिली फ्लेक वाला पराठा. तो रख दो, ब्रेक ले लो, पहले खा. नहीं बस थोड़ा ही बाकी है दो. अरे ठंडा हो जाएगा वो. दो और ये तीन. पहले ये खा लो फिर पेंटिंग करने के लिए. हाँ तो ये खाने के बाद इंटरवल हो गया. ये देखो स्कूबी, तू इधर चल. पूछ नहीं तेरा पूछी, अब पूछ छोड़ के वो खुद ही लेगा. थैंक यू, मजा आ गया यार. चल तू खा, मला पंचापे उड़े.